स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो है बिहार का सचिवालय सहायक की नई वैकेंसी कब तक आएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने सचिवालय सहायक में जो सहायक की जो पोस्ट थी उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोला जा रहा है। और साथ ही साथ अब जो वैकेंसी, अगर एएसओ की बात करते हैं तो एएसओ की वैकेंसी 3 जगह देखने को मिलती है, जिसमें से 2 जगह वैकेंसी निकाल दी गई है। पहली वैकेंसी निकाली गई है बिहार विधानसभा में एएसओ का, जिसमें जनरल का सीट नहीं था। दूसरी वैकेंसी निकाली गई है बिहार विधान परिषद में, जिसमें कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि सीट एक तरह से थे जनरल के लेकिन कम थे। और फाइनल जिसका सबसे लंबा लोगों को बेसब्री से इंतजार है, वो है बेसिकली बिहार विधान सभा और परिषद के बाद बिहार सचिवालय में, क्योंकि सचिवालय जो है काफ़ी बड़ा विभाग है, इसमें अलग अलग विभाग होते हैं और इसमें जो सहायक के पद हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। पिछले बार भी नियर अबाउट 2100 सहायक दिए गए थे, जो कि अलग अलग विभागों में उनकी नियुक्ति हुई है। और अब वो सहायक का पद जो है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में जाना जाएगा। तो आज का हमारा थंबनेल यही है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा, जिस प्रूफ से मालूम चलेगा कि आपको नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोग को कि देखिए, बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो या फिर बिहार सचिवालय हो, इन तीनों में जो एएसओ के पद हैं और जो उनका कहने का मतलब जो उनका सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। तो मैंने सोचा है कि अब जो है वो समय को नहीं गंवाना है, और वैसे बच्चे जो एएसओ का फॉर्म भर चुके हैं बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में और सचिवालय में भी भरेंगे, बिहार सचिवालय में भी भरेंगे, उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कह सकते हैं आप लोग एएसओ के लिए, स्पेशल एएसओ के लिए तीनों विभाग में फ्री एमसीक्यू सेशन लेकर आने वाला हूँ। क्योंकि जैसा कि पता है, इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो 40-30-30 में रहने वाला है, 40 GS और 30 में आपका साइंस और मैथ और 30 रीजनिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि 40 इधर और 15 मांग के चलिए आपका साइंस सेक्शन जो हो जाएगा वो कवर हो जाएगा। तो 40 आपका GS के लिए मैं डेली MCQ लेकर आऊँगा, लेकिन इस चैनल पर लेकर नहीं आ पाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो नई चैनल है उस पर केवल आपको कंटेंट दिया जाएगा, क्योंकि एक ही चैनल पर अगर आपको दोनों चीज़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो जाती है, नोटिफिकेशन और आपका वीडियो जो है वो दोनों मिक्स हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप सेपरेट थोड़ा बना दीजिए ताकि मेरे लिए अच्छा रहे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आपके लिए एक सेपरेट चैनल बना दिया जाएगा, जिस पर केवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यानी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी नोटिफिकेशन कभी ये, कभी नोटिफिकेशन कभी पढ़ाई, तो बच्चों को कन्फ्यूज रहते हैं कि प्लेलिस्ट में कहाँ खोजे। इसलिए इस चैनल को बेसिकली मैं छोड़ रहा हूँ नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हर दिन कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो उसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा। और उस एग्ज़ाम की तमाम तैयारी जो होगी वो आपको हमारे नए चैनल @exambagh, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा @exambagh पर आपको दिया जाएगा। जो बच्चे को हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनको पता होगा कि शुरुआत से उस चैनल पर आपको चीज़ें कंटेंट दी जा रही है। अभी वहाँ पर हम लोग बिहार विधानसभा में जो बिहार विधान परिषद में जो ऑफिस रेजिडेंट का पोस्ट आया है, जिसमें 3 पद आए हैं बेसिकली, नाइट गार्ड आया है, दरबान का आया है और एक सफाईकर्मी का है, उसके लिए अब क्या हुआ कि रिटर्न कर दिया गया है, अब उसके लिए इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो उसके जो रिटर्न हो रही है उसकी शुरुआत मैंने कल से ही कर दी गई है, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर भी GKGS आपको दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 10th लेवल के GKGS पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने लूसेंट का जो वन लाइनर सीरीज है उसी को पहले बेसिक के रूप में शुरू किया है। तो आप लोग भी जाकर उसे देख लीजिएगा @exambagh। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चैनल का नाम, तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है तो वो पता ही होगा, सेम चैनल का ही नाम है @GSAllGuru, @GSAllGuru हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर मैं नए चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। चूंकि आप सचिवालय सहायक की बात करते हैं या फिर एसओ की बात करते हैं, तो इसके आने में अभी समय नहीं है, बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगी। और उस समय आप तैयारी कीजिएगा कि क्या कीजिएगा, भगवान मालिक के, इसलिए अपनी मेहनत जो है वो पहले से तैयार रखिए, और केवल एग्ज़ाम आए तो आप अपने मेहनत का जो होता है परिणाम वहाँ पर दिखाइए। ठीक है कि हाँ भैया हमारा सब कुछ क्लियर है, चूँकि एसओ जो होती है वो अपने आप में काफ़ी वैली मतलब कह सकते हैं बेस्ट पोस्ट होती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हैं चैनल को देखकर बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, और उसका एग्जाम का यानी नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस किया जाता है, और उसके एग्जाम होने के बाद उसके पेपर का भी एनालिसिस किया जाता है, उसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेड कटअप बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर ले। हाँ एक बात और, जो बच्चे इस बार बिहार विधान परिषद एएसओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर देने जाएंगे, जिसका डेट घोषित हो चुका है 14 अप्रैल को, उसका मैंने पिछले साल का 2023 का पेपर का एनालिसिस किया है,
जी हाँ दोस्तों, पेपर का उसका एनालिसिस किया है, तो आप लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर उस पेपर को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में कहिएगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा फिर से अपने टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपका आइडिया हो जाए कि पिछले साल 2023 में कैसा पेपर पूछा था, क्या उसका लेवल था और किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिले थे, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस करें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार विधान सचिवालय सहायक की नई वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जो पिछला हमारा सचिवालय सहायक थे उनके रिगार्डिंग एक मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है ये देखिए। ये देखिए ये मैसेज बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 1/2022, ये कल मैसेज आया है, 14 तारीख को मैसेज आया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC के विज्ञापन संख्या 1/2022 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कार्यालय संख्या द्वारा 12/2 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो सहायक क्या है, सहायक का नाम चेंज हो गया, अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति करने हेतु 1 माह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया, जिसे अगले 1 माह तक के लिए विस्तारित किया है। यानी मैक्सिमम ASO ने ज्वाइन कर लिया है, मैक्सिमम ASO ने ज्वाइन कर लिया है, परंतु कुछ ASO ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये रिमाइंडर है। कभी कभी होता है कि बहुत लोग का ज्वाइनिंग 1 से 2 पोस्ट पर हो जाता है, तो वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, एक ही पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनके लिए रिमाइंडर भेजा जाता है। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि कोई लोग ज्वाइनिंग करना ही नहीं चाहता है, वो सोचता है कि चलो यार मैंने तो फॉर्म भरा था, और या फिर उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इस प्रक्रिया में भी उनको राहत दी जाती है और नोटिस दिया जाता है कि भैया आप आकर अपना ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट दे करके अपना ज्वाइन कर लीजिए। तो उन बच्चों के लिए नोटिस है कि आपको 12 जो है वो 12 फरवरी तक आपको योगदान देना था, तो आप 13 फरवरी तक योगदान दे दीजिए। लिखा हुआ हिसाब से अपना पटना के कार्यालय आदेश संख्या जो 12 तारीख को दिया गया है द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशासक की नियुक्ति करने हेतु 1 माह के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया गया है, जिसे अगले माह तक विस्तारित किया गया, यानी इस मार्च के लास्ट तक उसे ज्वाइन करना होगा। और आप लोग की बात हो रही है सर अब वैकेंसी कब आएगी, तो याद रखिएगा आचार संहिता भी लागू हुआ नहीं है, 15 तारीख को लागू होने वाला था चुनाव आयोग के द्वारा। आचार संहिता अगर लागू नहीं होता है तो हो सकता है कि बिहार सरकार जो है वो इसी मंथ आपको सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकाल दे, भले ही इसका एग्जाम आपको मई जून में लेगी, लेकिन बात की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा ये भी कहता है कि एग्जाम चुनाव से पहले कोई भी जो सरकारें होती है केंद्र में, अगर वो राज्य में सरकार है तो उसे वो सरकारें खास तौर पर वैकेंसी निकालती है, ताकि उसके केंद्र में सरकार मजबूत हो और जो मेंबर ऑफ लोकसभा है यानी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अधिक मात्रा में उस पार्टी के द्वारा चुने जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि इस चुनाव सहित चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू करने से पहले आपका इस मंथ के लास्ट तक ही आपका बिहार सचिवालय सहायक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप लोग अब देर मत कीजिए, सचिवालय सहायक की वैकेंसी में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। और तैयारी में लगने के लिए क्या करना होगा, तो हमारे YouTube चैनल @exambagh पर जुड़ जाइए, साथ ही साथ हमारे PDF के लिए टेलीग्राम चैनल @GSOLGU। मेन तौर पर मैं एग्जाम बाग इसलिए जोड़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम बाग आपको एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ करवाएगा ASO के लिए, क्योंकि ASO तीनों विभाग में देखने को मिल रहे हैं, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद और बिहार विधान और बिहार सचिवालय सहायक यानी बिहार सचिवालय BSSC के द्वारा, तो इन तीनों का ASO का सेम सिलेबस रहने वाला है 40-30-30। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर तैयारी ही करनी है तो खुल कर तैयारी कीजिए, और वैसे बच्चे जिनका तैयारी पिछले बार था इस बार बच रहे हैं उनके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सेक्शन वाइज होंगे, चाहे वो पहला हिस्ट्री होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर पॉलिटी होगा, फिर साइंस होगा, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और वीकेंड में एक बार करंट अफेयर्स की भी क्लास चलेगी, जिसमें दिन भर मतलब पूरे सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरा आइडिया कि ASO के लिए बिहार विधानसभा परिषद और BSSC के द्वारा जो ये मैं शुरू करने वाला हूँ, इसका क्या आपके ऊपर कह सकते हैं प्रभाव पड़ेगा, या फिर कैसा आपको अच्छा लग रहा है मेरा आइडिया, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि मेरे अनुसार से मैं सोचा कि भाई बिहार में ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी जज्बा है तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी तो सारे यूट्यूब चैनल पर देखते ही हैं कि पहले मेरा बैच कर दो, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये सबके देने की औकात नहीं है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिल्कुल बिलो मिडिल क्लास है, जो BPL क्लास है, जिनको केवल जॉब लेना है और मेहनत करना है, उनके लिए सही प्लेटफॉर्म है @exambagh। आइए फ्री में हमारे साथ जुड़िए और हमारे सफलता के साथ आप भी अपना सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।